चैनल आज मैं आपके साथ बारबेक्यू राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो हमने चिकन बोनलेस ली है, जिसके अंदर हम 2 टेबलस्पून जो है वो चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 4 से 5 चम्मच हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से जो है वो चिकन को मिक्स कर लिया है इसमें, और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हमने इसमें मिक्स कर लिया है, अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। सब्जियों में हमने गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, बंद गोभी और जो है ये हरी प्याज ले ली है, जिसको हमने बारीक बारीक काट दिया है। 3 ग्लास चावल लिए हैं, जिसको हमने धो के जो है वो भिगो दिया है, और एक हमने लिया है चिकन क्यूब। प्याज का हमने थोड़ा सा वाइट वाला पार्ट लिया है और हरी मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक लिया है हमने। अब हम पतीली में जो है वो थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। इसके अंदर हम प्याज और हरी मिर्चें डाल देंगे और इनको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे। प्याज और हरी मिर्चें थोड़ी सी सॉटे हो गई थी, अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको फिर हम फ्राई करेंगे साथ में इनके। लहसुन अदरक को भी हमने जो है वो प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। अब हम इसके अंदर नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। जो हमने चिकन क्यूब ली थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इनके अंदर 4 ग्लास पानी जो है वो ऐड कर देंगे। पानी में बॉईल आ जाएगा तब हम इसके अंदर चावलों को ऐड करेंगे। पानी में बॉईल आ चुका है, अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। अब हम इसको पानी खुश्क होने तक जो है वो पकने देंगे। पानी जो है वो चावलों का खुश्क हो चुका है, अब हम ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चें और धनिया डाल देंगे। अब हम चावलों को दम होने के लिए रख देंगे। तो चावल हमारे फाइनली जो है वो रेडी हो गए हैं। आफ्टर हाफ एन आवर चिकन भी जो है वो हमारी मैरिनेट हो चुकी थी, तो अब हम जो है वो चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को वाइट होने तक पकाएंगे।
अब हम इसको कवर करके पकने देंगे जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो चिकन का जो है वो पानी खुश्क हो चुका है, अब हम चिकन को थोड़ा सा भून लेंगे, देन वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चिकन जो है वो रेडी हो गई थी। अब इस तरह हमने एक स्टील का प्याला जो है वो छोटा सा बीच में रख दिया है, और जो हमने कोयला जलाया था वो हम मिडिल में रखेंगे। देन हम इसके ऊपर जो है वो ऑयल डाल के इसको कवर कर लेंगे और इसको धुआं दे देंगे। तो चिकन को जो है वो हमने स्मोक दे दिया था और ये जो है वो फाइनली रेडी हो गई है। अब हम जो है वो गाजरों को ऐड करेंगे और इनको जो है वो फ्राई करेंगे। सब्जियों को हमने जो है वो बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना, थोड़ा सा हमने इसको हाफ कुक रखना है। अब हम बंद गोभी डाल देंगे। नमक ऐड करेंगे। टू टेबल स्पून हम इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे। टू टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। और थोड़ी सी हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर देंगे। और अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इसको भी कुक कर लेंगे इसमें। हरी प्याज ऐड कर देंगे इसमें हम। ये हमारी सब्जियां जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम इनको चावलों में डाल के जो है वो मिक्स कर लेंगे।
जो हमने चिकन बनाई थी वो भी हम ऊपर से डाल देंगे और अब हम इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये हमारे बारबेक्यू राइस जो हैं वो रेडी हो गए हैं, तो अब हम इसका सॉस बना लेते हैं। सॉस के लिए हमने 2 टेबल स्पून केचप लिया है और 2 टेबल स्पून हम चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे। छोटा वाला मायनीज का जो ये पाउच होता है वो हम ये पूरा इसके अंदर डाल देंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे। वन टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला करने के लिए हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारा सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और फाइनली हमारे बारबेक्यू राइस विथ सॉस जो है वो रेडी हो गए हैं। एंड आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।